धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। जब से देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार शुरू हुई है, तब से जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही यूनिवर्सिटी, पता नहीं क्या क्या बताने की कोशिश की जा रही है। यानी कि विवादों से जेएनयू का नाता जो है वो टूट ही नहीं पा रहा है, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। फिर से कल वहां बवाल हुआ, नकाबपोश गुंडे लाठी डंडों से लैस होकर, हॉकियों से लैस होकर वहां पहुंचे, स्टूडेंट्स और टीचर के साथ मारपीट की। दो दर्जन से ज्यादा टीचर्स और स्टूडेंट्स को दो अलग अलग हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया, एम्स में और ट्रॉमा सेंटर के अंदर। पुलिस अब वहां जांच करने की बात कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और तमाम चीजों में बात कर रही है, लेकिन मौके पर सूचना मिलने के बाद भी घंटों की देरी से पहुंची। क्यों पहुंची, इस सब पर बात करेंगे। पर सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त निकल के आती है वो ये कि एक बुलेटिन में आपके सामने ऐसा रखूं जिसमें सारी चीजों को समेट पाऊं, तो मैंने 5 पॉइंट्स तैयार किए हैं जिनके जरिए मैं पूरे खाके को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बात को लंबा ना करते हुए चलते हैं पहले पॉइंट्स की तरफ। जेएनयू का टाइमलाइन देख लेते हैं, जो वहां पे पूरी वारदात हुई है उसका टाइमलाइन किस तरीके से तैयार किया जा सकता है और उसको कैसे देखा समझा जा सकता है, तो देख लेते हैं। शाम 5 बजे का वक्त है, टीचर्स जो हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपनी एक मीटिंग वहाँ पे कर रहे हैं शांति समिति की, वो ख़त्म हो चुकी है। अचानक नकाबपोश, हाथी डंडों से लैस, हॉकी से लैस कुछ गुंडे वहाँ पे पहुँच जाते हैं और ताबड़तोड़ सबको पीटना शुरू कर देते हैं। हॉस्टल में घुस घुस के उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके सामान तक को तोड़ देते हैं, टीवी तोड़ देते हैं, उनके कंप्यूटर तोड़ देते हैं और इसके अलावा वहाँ सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुँचाते हैं। आप देखेंगे 56 इंच का सीना रखने वाले क्या वहाँ से भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का हर्जाना वसूल करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी बदला लेके रहेंगे स्टाइल, संविधान सीट पे बैठे बदला लेंगे। अरे पब्लिक है आपकी, आपके प्रदेश की पब्लिक है कि बॉर्डर पे खड़े हुए लोग हैं ये, किसी दूसरे देश के फौजी हैं ये, कि उन पे गोली चलवा दीजिए सीधा। लेकिन अब भाषा ऐसी है क्योंकि सामने होना चाहिए आपके। तो ये इसमें जो है छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं आईसी घोष, उन समेत 28 लोग घायल हुए हैं, उनको वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सरकारी संपत्ति को नुकसान किया गया है मारपीट करने के अलावा। सूचना देने के बाद भी बताया जा रहा है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुँची है और काफ़ी देर बाद पहुंची है। उसमें पुलिस का जवाब यह है कि जब हमें यूनिवर्सिटी ने परमिशन नहीं दी तो हम अंदर कैसे घुस जाते, जामिया में कैसे घुस गए थे भाई, जामिया मतलब लाइब्रेरी में घुस के गुंडों को इतना मार रहे थे, क्यों, क्योंकि उसका नाम जामिया मिलिया इस्लामिया है। यहाँ पे जेएनयू प्रशासन जो बैठा है वो कह रहा है कि पिटने दो अंदर, बाद में हम बुलाएंगे तुम्हें, तब जाना अंदर। अब वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी का छात्र संगठन है वो FSI और दूसरा RSS का जो छात्र संगठन ABVP, वो एक दूसरे पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा रहे हैं। वारदात के बाद जो है वहाँ पे उनसे मिलने के लिए प्रियंका गांधी पहुँची हैं और योगेंद्र यादव भी रात में पहुँचे थे, उनके सामने वहाँ पे नारेबाजी की गई, भारत माता की जय के नारे लगाए गए और उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। प्रियंका गांधी ने एक छात्र से बातचीत के बाद ट्वीट किया है, ट्वीट करके लिखा है कि उस छात्र ने बताया कि पुलिस ने भी उसके सिर पर लातों से जूतों से वार किया है, उसको लिटा लिटा के पीटा है। स्टूडेंट बता रहा है, बताइए अगर पुलिस पहुंची भी तो इनको बचाने की कोशिश नहीं की, जो गुंडे थे वही सब कुछ कर रहे थे। टाइमलाइन के हिसाब से आगे चलें, जब ये खबर पूरे देश में फैली तो तमाम यूनिवर्सिटी में, चाहे वो जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो DU हो, जामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जितनी तमाम यूनिवर्सिटी है, चाहे मुंबई की यूनिवर्सिटी है जो टाटा वाली है, तो वहाँ तमाम जगह स्टूडेंट्स जो है इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के पर हुए हमले के समर्थन में कि इन पर हमला हुआ और पुलिस ने कुछ नहीं किया, मतलब इनके हक में आवाज़ उठा रहे हैं। अब यहाँ से दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग को दंड देने का वक्त आ गया है, ये ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। ये किसका बयान है वो देख लीजिए। CAA पर बोलते हुए, विपक्षी पार्टी पर हमला करते हुए देश के यशस्वी गृह मंत्री, जो आज नरेंद्र मोदी से भी बड़े हो गए, पहली पारी में नरेंद्र मोदी बड़े थे, इस पारी में अमित शाह है। अब सीधा सीधा कहिए अमित शाह की सरकार, मोदी की सरकार भी मत कहिए। तो अमित शाह का एक बयान जो अखबार में छपा हुआ है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग को दंड देने का वक्त आ चुका है। तो क्या ये दंड दिया जा रहा है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जो वर्ड उभरा था वो यहीं से उभरा था, JNU से। उसके बाद भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार और दंगाई पत्रकारों ने इस वर्ड को JNU पर चिपका के रख दिया कि वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग है जो टुकड़े टुकड़े करना चाहता है भारत के। 2017 में याद होगा आपको, जब कहा गया था कि अफजल गुरु की जयंती मनाने के लिए प्रोग्राम किया गया और वहाँ पे जो है टुकड़े टुकड़े गैंग ने किया और उसी में कन्हैया कुमार,
अनिल निर्माण और तीसरे उमर खालिद, इन सब पर देशद्रोह का मुकदमा लिखा गया। हालांकि आज तक साबित नहीं हो पाया, लेकिन चार्जशीट भी अधर में अटकी है, ये भी आप कह सकते हैं। इसी तरह से अगर देखें तो पीएम कहा करते हैं कि जो खान मार्केट गैंग है, मतलब इनके दौर में ही तमाम गैंग पैदा हो रहे हैं, ये नए नए गैंग नए नए वर्ड ईजाद कर रहे हैं, ज़रा सा कोई कुछ बोले तो उसको एक अलग गैंग बता देते हैं। गैंग चल रहा है देश के अंदर, लोकतंत्र तो चल नहीं रहा है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्या यही है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी की पुलिस? थोड़ा सा समझ लीजिए, जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से पता नहीं दिल्ली पुलिस को क्या हो गया। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित राज्य होने के कारण यहाँ की जो पुलिस है वो अरविंद केजरीवाल के अधीन नहीं आती है, यहाँ की पुलिस आती है होम मिनिस्ट्री के अधीन, और होम मिनिस्ट्री जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के पास है। तो जब से वो गृह मंत्री बने हैं पता नहीं यहाँ की पुलिस को क्या हो गया है, वो कोर्ट के अंदर घुसती है 30,000 में, वकीलों पर गोली चला देती है, कमाल की पुलिस है। इसके अलावा जो देखने में जगह जगह आ रहा है कि उसके एक से एक कारनामे, वो यूनिवर्सिटी के अंदर घुसती है जामिया में, स्टूडेंट पर गोलियां चलाती है, बाकायदा तो रिपोर्ट आ गई है, वो खुद मान रहे हैं कि हाँ पुलिस ने गोली चलाई है, उनको मारते हैं लाइब्रेरी में घुस के, बताइए जहां बच्चे पढ़ रहे हैं वहां मार रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा सीलमपुर के अंदर, ब्रिजपुरी के अंदर, और तमाम जो वीडियो आ रहे हैं उस इलाके के अंदर कि सड़कों पर कैसे दौड़ा दौड़ा के उन लोगों को मारती पीटती है जिनको उपद्रवी दंगाई बताई जा रही है। इसके अलावा जेएनयू के छात्र जब प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो वो दिव्यांग छात्र, जो वर्ड इन्हीं का दिया हुआ, पहले विकलांग होता था, उनको सड़क पर दौड़ा दौड़ा के लिटा लिटा के पीटा जाता है। तो ये एक के बाद एक चीज़ें यहाँ से उभरती जा रही हैं, ये दिल्ली पुलिस का नया रूप उभर कर आ रहा है, और ये रूप उस दौर में उभर रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। आपको बता दें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मामले में जहाँ जहाँ भी बवाल हुए हैं वहाँ वहाँ पे बीजेपी की सरकारें क्या है, महज इत्तेफाक है, और जगह क्यों नहीं बवाल हुए, और जगह क्यों नहीं लोग मारे गए, तो मारे गए हैं कि मरवाए गए हैं, और यहीं की पुलिस में ज़्यादा दम आ गया है वो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। एक अच्छी खबर इस बीच में ये है कि क्योंकि यूनिवर्सिटी ने तो कुछ रिपोर्ट दर्ज कराई नहीं, पुलिस ने अपनी ओर से रिपोर्ट दर्ज ज़रूर की है, वो पूरे मामले की जांच कर रही है, कह रही है कि हम लोग सीसीटीवी खंगाल रहे हैं और हमें परमिशन नहीं थी इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा सकते थे। पर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और वो भी गृह मंत्री के अमित शाह के बनने के बाद। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, राजनीतिक पार्टियों का थोड़ा रिएक्शन देख लेते हैं। सीताराम येचुरी का रिएक्शन हमारे पास आ रहा है, राहुल गांधी का रिएक्शन हमारे पास आ रहा है, अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन हमारे पास आ रहा है, तो तमाम लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा ये उस डर को प्रदर्शित करता है, ये उस डर को दिखाता है जो आज सत्ता में बैठी फांसीवादी ताकतों को भारत के स्टूडेंट्स यानी कि भारत के छात्रों से लगता है, तभी तो नकाबपोश गुंडे बुलाकर या भेज कर वहाँ पर इस तरीके का नरसंस हमला करवाया जाता है जो चौंकाने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने पूरे मामले को लेकर राज्यपाल बात की है और उनसे कहा है कि व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है उनसे, और कहा कि पुलिस को वो निर्देशित करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया पुलिस इनके पास नहीं है। पूरे हालात पर चर्चा करने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की जो है मीटिंग बुला ली है। इसके अलावा टीएमसी कल शाम बयान आ गया था, ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल जो जाएगा और वहाँ पे जेएनयू के छात्रों से मिलेगा और जेएनयू के हालात से पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा। राज्यपाल और गृह मंत्री ने पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है, चलिए बहुत अच्छी बात है रिपोर्ट तलब कर ली, जब वकील पर गोली चली तब तो रिपोर्ट तलब की नहीं थी, वैसे तो आवाज़ बंद आ जाती है जब मौका पड़ता है, तब कहीं गायब हो जाते हैं, अब कहीं गायब रहेंगे, पहले ढूंढेंगे कि किस मुद्दे को लेकर विवाद करना है। अमेठी पहुंची हुई है स्मृति ईरानी, फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी की, वहां से उनका बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं शैक्षणिक संस्थाओं को राजनीतिक अखाड़े का अखाड़ा ना बनाया जाए, ये कह रही हैं। बताइए राजनीतिक अखाड़ा कौन बना रहा है, मतलब वो जो पीट रहे हैं अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, फीस वृद्धि पर अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उसे राजनीतिक अखाड़ा बताकर क्या पेश करने की कोशिश कर जा रही है, और मीडिया किसका बयान दिखाएगा वो तो आपको जानते ही हैं। अब पाँचवें पॉइंट और आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, यहाँ पर फिल्मी दुनिया का रिएक्शन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि स्वरा भास्कर का कल रोते हुए जेएनयू के बाहर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो बता रही हैं कि किस तरीके से नकाबपोश गुंडे अंदर घुस आए हैं और वो मारपीट कर रहे हैं, अंदर उनके माता पिता भी हैं, ये बताते वो रो पड़ती हैं, वो लोगों से अपील कर रही हैं कि आप आइए जेएनयू के गेट पर, थोड़ा दबाव बनाइए पुलिस पे ताकि पुलिस कुछ कार्रवाई कर सके, यानी कि साफ दिख रहा है कि पुलिस लगातार सूचना देने के बाद भी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। उसके बाद से क्या रिएक्शन आ रहा है वो थोड़ा देख लीजिए, सोनम कपूर, इसके अलावा तापसी पन्नू, इसके अलावा रितेश देशमुख, दिया मिर्जा जैसी तमाम फिल्मी शख्सियतों ने इस घटना की खुलकर निंदा की है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया और कहा है कि पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, राजधानी के अंदर अगर ये हालात हैं तो देश में और जगह पर बचेगा क्या। लेकिन भोंपू मीडिया के महानायक
सदी के महानायक दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने वाले अमिताभ बच्चन की जबान अभी भी बंद है, क्योंकि पनामा पेपर लीक वाले मामले में जांच शुरू हो सकती है। सहारा डायरी में भी कुछ लोग बताते हैं उनके परिवार के लोगों के नाम है। तो भैया हाँ, चादर ओढ़ के सोई आराम बड़ी चीज है, होने दीजिए दुनिया में जो हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त देश गुलाम था तो उस वक्त भी तो बहुत सारे लोग धंधा कर रहे थे ना जी, या नहीं धंधा कर रहे थे, तभी तो वो आज इतने बड़े टाटा बिड़ला बन के बैठे हैं। तो आपके देश के हालात कुछ भी हों, इनका तो धंधा चल ही रहा है ना, दादा साहब फाल्के मिल ही रहा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर आपको अपडेट कराऊंगा क्योंकि पल पल चीजें बदल रही हैं। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँ हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाजत।